Assalamu alaikum. We have completed chapter number 2, homeostasis. Now we're going to start the exercises. Chapter number 2 has 10 short answers and 5 extensive response answers, the detailed answers. Let's start with extensive detailed answers. Question number 1, how does skin work as a thermoregulatory organ? स्किन किस तरीके से हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करता है, यानी जो हमारे आउटर जो एनवायरनमेंट है उसमें कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी होती है, तो इस लिहाज से किस तरीके से स्किन हमारी टेम्परेचर को हैंडल करता है और मेंटेन रखने में मदद रखता है. स्किन व्हेन अ रिसेप्टर इन द स्किन डिटेक्ट्स एन इंक्रीज और डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम स्पेसिफाइड पॉइंट द रिसेप्टर सेंड्स अ नर्व इंपल्स टू द ब्रेन. अब जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, जब इसके ऊपर या इसके नीचे हमारा बॉडी टेम्परेचर गिरता है या इंक्रीज होता है तो हमारा जो रिसेप्टर होता है वो एक ब्रेन की तरफ हमारे ब्रेन की तरफ मैसेज सेंड करता है. ह्यूमन स्किन एंड आई टेम्परेचर. इन हॉट कंडीशन व्हेन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ह्यूमन स्किन मेंटेन्स टेम्परेचर बाय लेइंग डाउन ऑफ हेयर. The muscles relax which allows the hair to lie against the surface of the skin. जब hot temperature होता है, जब गर्मी का मौसम होता है तो हमारे body का temperature भी उसके साथ increase होना शुरू जाता है. तो उसको control में रखने के लिए क्या होता है कि हमारे जो skin के बाल होते हैं उसको वो relax कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बाल है वो नीचे की तरफ skin से एक तरह से चिपक जाते हैं. Vasodilation, widening of blood arterioles of dermis occurs which increases the blood flow and capillaries of skin so more heat is lost. जो हमारे ब्लड आर्ट्रियोल्स हैं, ब्लड की जो हमारे जो वेसल्स हैं जो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिस्म से निकलता है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, यानी 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहे. इंक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन, यानी पसीने की इंक्रीज होता है उसमें. द स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट्स स्वेट व्हिच एवेपोरेट्स अलाउइंग द बॉडी टू कूल डाउन. स्वेट ग्लैंड हमारे स्किन के अंदर वो पसीना प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से जब वो सूखता है तो वो जो बॉडी है हमारी वो कूल डाउन होना शुरू हो जाती है. ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्किन एंड लो टेम्परेचर. इन कोल्ड कंडीशन व्हेन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ह्यूमन स्किन मेंटेन टेम्परेचर बाय इरेक्शन ऑफ हेयर्स. द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द हेयर अपराइट एंड ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग एयर नेक्स्ट टू स्किन. अब जब ठंडा होता है, जब सर्दियाँ होती हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारे स्किन में जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं. जब वो खड़े हो जाते हैं तो हेयर और स्किन के बीच में एक हवा का लेयर पहुँच जाता है, वहाँ पर वाइक जमा हो जाता है हवा के लेयर, एयर का लेयर एक जमा हो जाता है, तो वो इंसुलेशन पर्पज़ के लिए मदद करता है. Vaso contraction, narrowing of blood arterioles of dermis occurs which reduces the blood flow in capillaries of skin so less heat is lost. मतलब हमारे जो blood vessels हैं, arterioles हैं, वो पतले हो जाते हैं, इससे क्या होता है कि heat loss नहीं हो पाता. Decrease in sweat production, the sweat gland stops producing and secreting sweat so it prevents energy loss. The sweat gland है वो पसीना produce नहीं करता, secrete नहीं करता, जिसकी वजह से energy भी lose नहीं हो रही होती. Question number 2, describe the urinary system of man with the help of diagram. Urinary system आप लोगों को ये draw करना है अपने copy पे with label, ठीक है, colors and all that, make sure you label properly. उसके बाद आप लोगों को उसको explain करना है. We have to describe how it works. Explain and describe how it works, okay? क्योंकि सवाल में ये मांगा गया है. The urinary system of human consists of pair of kidney. Kidneys are reddish brown bean shaped organs situated at the dorsal side of the abdominal cavity on either side of the vertebral column. अब urinary system में पहले हमें बताना है कि कौन कौन से organs हमारे पास है. We have a pair of kidney, वो दो kidneys हैं जिनका color reddish and brown है, उनका shape bean की तरह है. They lie at the dorsal side, यानी पीछे की तरफ abdominal cavity, यानी पेट का जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे kidneys पाए जाते हैं, और ये vertebral column के एक left पे और एक right पे होता है. The renal artery, renal vein, nerve and ureter are connected to each kidney at the hilus. Kidney के एक part होता है hilus, जहाँ से renal artery connect होता है, renal vein भी वहाँ से connection करता है, nerve and ureter, ये चारों चीज़ें pipes जो हैं एक तरीके से ये kidney से connection जिस part से करते हैं उस part को hilus कहते हैं. Pair of ureters, अब कुछ pipelines हैं जो kidney से निकल के, वो pipelines को हम लोग ureters कहते हैं.
Urine passes from the kidney through the ureter, a narrow tube to the urinary bladder. यानी एक छोटा सा ट्यूब होता है, पतला सा ट्यूब होता है जो किडनी को कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर से, और उस पाइपलाइन या उस ट्यूब के थ्रू जो है यूरिन यूरिनरी ब्लैडर पहुंचता है. नंबर थ्री, यूरिनरी ब्लैडर. द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर बैग विद अ थिन वॉल दैट कलेक्ट्स यूरिन. अब यूरिनरी ब्लैडर जो है इज बेसिकली मेड ऑफ मसल्स, और इसके जो वॉल्स हैं दे आर वेरी थिन, और इसके अंदर यूरिन जमा होता रहता है. यानी जो आप होल्ड कर रहे होते हैं तो यूरिन को, बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो कलेक्ट कर रहे होते हैं. तो यानी कि जब आप होल्ड करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो स्टोर हो रहा होता है. यूरिथ्रा, द यूरिथ्रा इज अ ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है एक और पाइप एंड ट्रेवल्स डाउन द बॉडी एंड एग्जिट्स थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग. फिर एक ओपनिंग होती है जहाँ से हम लोग फिर यूरिन को एग्जिट करते हैं, जिस्म से निकालते हैं. सो बेसिकली वी हैव टू पाइप्स. एक पाइप कनेक्ट करता है किडनी को विथ यूरिनरी ब्लैडर, और दूसरा पाइप कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर को और आउटर एग्जिट से, ताकि वो हमारे बॉडी से यूरिन निकल जाए. सो दीज आर द फोर पार्ट्स जिससे हमारे यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम बने हुए हैं. नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद इन द एलएस ऑफ किडनी. एलएस मींस लेफ्ट साइड ऑफ किडनी. तो उसमें आपको पहले आपको इस तरह से डायग्राम्स के ड्रॉ करनी होगी. वेल डायग्राम है, यू हैव टू ड्रॉ दैट विद लेबलिंग. ठीक है, अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो नेफ्रॉन जो है किडनीज के अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जो पार्ट्स बने हुए हैं, मेन पार्ट्स जो हैं उसके, उसको हमें एक्सप्लेन करना होगा. Each nephron consists of four main parts. And nephron mein basically four main parts hain. Bowman's capsule. Each nephron begins in the cortex as a cup-like structure called Bowman capsule. Yani ki nephron ki jo entrance hoti hai, usi ke entrance mein ek cup type ka ek structure bana hua hai, that is known as Bowman capsule. Number two, proximal convoluted tube. Bowman's capsule leads into a short convoluted tubule which passes into the medulla. Yani Bowman capsule se आगे जाएंगे तो उसके बाद एक पार्ट आता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. कॉन्वुलेटेड मतलब कॉयल, यानी वो पूरा उलझा हुआ होता है. ठीक है, तो दैट प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है ये मेडुला के अंदर, मेडुला से पास हो रहा होता है. एट प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, ऑल ऑफ द ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ ट्यूब्यूल इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज. अब इसके अंदर जो ब्लड गुजर रहा होता है उसमें से सारे मिनरल्स, जितने मिनरल्स लाइक सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं मोस्टली, वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है. ग्लूकोज यानी शुगर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है. अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, और फिर जो बचा जो बाकी ब्लड है उसमें से पास थ्रू हो जाता है. जब हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल काम सही से नहीं करता तो जो प्रोटीन है और हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर रह जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता. यानी जिन लोगों को डायबिटीज होता है, ये जो प्री डायबिटिक होते हैं, उनके अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल प्रॉपरली काम नहीं करता, जिसके वजह से जो ग्लूकोज है और अमीनो एसिड्स हैं वो सही से उसके अंदर से एब्जॉर्ब नहीं होते. इसी वजह से जब हम उसका ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड में हम लोगों को उनका ग्लूकोज और अमीनो एसिड शो कर रहा होता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता इन डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक पेशेंट्स. लूप ऑफ हेनलेस. The tubule enters into the medulla, extends into a renal pyramid and makes a U-like tube called loop of Henle back into the cortex. जो proximal convoluted tubule है, जो वहाँ से tubule medulla के अंदर enter होता है, तो एक pyramid type का वहाँ पहुँचता है, जहाँ पे U-shape का एक tube होता है, जिसको loop of Henle कहते हैं. जो डायरेक्शन उसका कॉर्टेक्स की तरफ लेके जाता है, और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के अंदर वाटर रीअब्सॉर्ब होता है. एंड द फोर्थ मेन पार्ट इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. व्हेन द ट्यूब्यूल एंटर्स द कॉर्टेक्स अगेन इट बिकम्स कॉन्वुलेटेड अगेन. फिर दोबारा से वो जो है कॉइल्ड हो जाता है पूरा, और इस बार जो कॉइल्ड फॉर्मेशन बनती है उसकी, दैट इज नोन एज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. एट द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल सम वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब. अगर ब्लड के अंदर पानी या मिनरल सॉल्ट अभी भी मौजूद है तो वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ब्लड वहाँ से किडनी से एग्जिट करता है. नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन इन टू ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. उसके बाद सारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक ट्यूब के अंदर इंटर होते हैं, उनके लाइक एग्जिट की जो है कलेक्टिंग डक्ट में होती है, जहाँ पर सारा ब्लड आके जमा होना शुरू हो जाता है, एंड देन इट एग्जिट्स द किडनी. क्वेश्चन नंबर फोर, डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शन. यानी नेफ्रॉन्स में कौन कौन से ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं. नेफ्रॉन्स आर सराउंडेड बाय डिफरेंट ब्लड वेसल्स दैट आर कनेक्टेड टू द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स. नेफ्रॉन्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर मोस्टली कनेक्टेड, दे आर ऑल आखिर में इवेंचुअली
दे आर कनेक्टेड टू द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स, यानी रीनल आर्टरी जो है एंड रीनल वेन्स जो है उन्हीं के ब्रांचेस नेफ्रॉन्स के अंदर पाए जाते हैं. इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू डिफरेंट आर्टरियोल्स, यानी कि डिफरेंट आर्टरियोल्स सॉरी, जो इंटरलोबुलर आर्टरी है वो जो ब्लड इंटर होता है किडनी के अंदर उसे वो एफरेंट आर्टरियोल्स तक लेके जाता है. एंड देन एफरेंट आर्टरियोल में क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल ब्रिंग्स इन ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, फिर वो ब्लड आर्टरियोल से होते हुए एफरेंट आर्टरियोल से होते हुए ग्लोमेरुलस इंटर करता है. उसके बाद एफरेंट आर्टरियोल्स ड्रेन अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड साफ हो जाता है तो एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू वो ग्लोमेरुलस को एग्जिट करता है. फिर उसके बाद आता है वेन्यूल, वेन्यूल कनेक्ट द किडनी टू द इंफीरियर वीना कावा, यानी कि जो ब्लड किडनी से एग्जिट होता है एंड देन दैट ब्लड गोज टू द हार्ट और हार्ट के इंफीरियर वीना कावा को वो कनेक्ट करता है. इन आफ्टर वी हैव इंटरलोबुलर वेन, इंटरलोबुलर वेन कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द कॉर्टेक्स. एंड देन वी हैव पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क आर टाइनी ब्लड वेसल्स दैट ट्रैवल अलोंगसाइड नेफ्रॉन्स अलाउइंग रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन बिटवीन ब्लड एंड द इनर ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन जो भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है वाटर मिनरल्स शुगर एंड अमाइनो एसिड्स उन सबको वो वहाँ से एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर इंटर करवाता है. द लास्ट डिटेल आंसर एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स आंसर क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी किडनीज में कौन कौन सी खराबियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे हेल्थ में मसला हो सकता है. नंबर 1 इज किडनी स्टोन. अ किडनी स्टोन इज अ सॉलिड मास दैट फॉर्म्स फ्रॉम द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट. जब हम खाना खा रहे होते हैं या नमक ले रहे होते हैं उसकी वजह से कभी कभी जो है हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है किडनी के अंदर. अब क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट आप कॉमन देख रहे हैं दोनों में कैल्शियम है, तो इसलिए जब किडनी स्टोन होता है किसी इंसान को तो उसको दूध पीना मना होता है क्योंकि ब्लड हैज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. समटाइम्स यूरिक एसिड एंड सिस्टरनाइन सेपरेट फ्रॉम यूरिन, यूरिन प्रेसिपिटेट इन द किडनी एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन. और कभी कभी कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड और सिस्टरनाइन प्रोड्यूस होता है वो यूरिन से सेपरेट होकर हमारे किडनी में बच जाता है इन द पाउडर फॉर्म, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो बच जाता है और वहीं पर वो जमा होना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोन की शक्ल ले लेता है. ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन. इफ द साइज ऑफ किडनी स्टोन इज कंपैरेटिवली स्मॉल वी कैन यूज लिथोट्रिप्सी टू ब्रेक स्टोन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स. साउंड वेव्स के थ्रू हम लोग किडनी स्टोन को तोड़ सकते हैं अगर किडनी स्टोन का साइज छोटा हो. द ब्रोकन पीसेज ड्रेन आउट फ्रॉम द किडनी विथ यूरिन. जो पीसेज टूट जाते हैं, स्टोन टूट जाता है, वो छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं और वो यूरिन के थ्रू जिस्म से निकल जाता है. The large kidney stone can be removed only by the process of renal surgery. लेकिन अगर किडनी स्टोन का साइज बड़ा हो तो उसमें बाकायदा जो किडनी है उसको खोल के उसमें से किडनी स्टोन को निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. नेक्स्ट किडनी डिसऑर्डर इज किडनी फेलियर, यानी किडनी जो अपना फंक्शन बिल्कुल ही रोक देता है, बिल्कुल ही फंक्शन नहीं करता. ड्यू टू सोल्यूट इम्बैलेंस इन ब्लड एंड किडनीज समटाइम्स द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी स्टॉप वर्किंग, इट इज कॉल्ड किडनी फेलियर. जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो है सॉल्यूट का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो सॉल्ट्स वगैरह हैं या ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या हमारे जो सिस्टम है वो सही से प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाता इनको, तो हमारा जो नेफ्रॉन्स होता है वो स्टॉप कर देता है फंक्शनिंग. अब जब नेफ्रॉन्स सिंस दे आर दिस फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, तो अगर नेफ्रॉन्स स्टॉप करेंगे वर्किंग तो यानी किडनी भी वर्किंग स्टॉप कर लेगा, क्योंकि सारा जो काम होता है किडनी के अंदर वो बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर होता है. फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस किडनी में नेफ्रॉन्स के अंदर हो रहा होता है. द फेलियर ऑफ किडनीज अलाउज यूरिया एंड अदर वेस्ट मटीरियल टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड. अब जब किडनी काम करना छोड़ देगा तो यानी कि जो हमारे जिसम में कचरा होता है, यूरिया होता है, डिफरेंट जो वेस्ट मटीरियल होता है वो हमारे ब्लड में जमा होना शुरू हो जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर. पेशेंट्स विद किडनी फेलियर में गेट अ किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी फेलियर जिनके पास हो जाता है उनके पास एक चॉइस होती है कि वो अपने पास न्यू किडनी अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा लें. इफ अ डोनर इज नॉट अवेलेबल द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड विद डायलिसिस यूजिंग अ डायलिसिस मशीन. लेकिन अगर फॉर सपोज किडनी अवेलेबल नहीं है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, यानी जो किडनी अवेलेबल है या तो वो अवेलेबल है ही नहीं यानी कोई डोनर नहीं है उनके पास, या फिर जो किडनी अवेलेबल है उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें ऑफकोर्स कंडीशंस होते हैं कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगा तो ऑफकोर्स वो फंक्शन करना शुरू करेगा आपके जिस्म के अंदर. अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा किडनी को तो इट विल स्टॉप वर्किंग. इट्स नॉट ऐसा होगा जैसे किडनी आपने ट्रांसप्लांट लिया ही नहीं है. तो अगर फॉर सपोज इफ अ डोनर इज नॉट अवेलेबल तो पेशेंट को हम लोग
डायलिसिस मशीन से कनेक्ट करते हैं और फिर वो डायलिसिस मशीन जो है, जो पूरा किडनी का फंक्शन होता है उसको प्रॉपरली वो कर रहा होता है।